मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक कर्जदार है। कितने रुपए का कर्जदार है ये मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक औसतन 30,000 रुपए का कर्जदार है। कैसे, ये बात किसने उठाई, ये भी आपको बता देता हूं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के लगातार कर्ज लेने पर हमलावर हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते उन्होंने पत्र लिखा और सवाल उठा दिए। पत्र में वो लिखते हैं, कमलनाथ लिखते हैं पत्र में, प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, मार्च 2021 तक की स्थिति में राज्य सरकार पर 2.53 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, जबकि सालाना बजट प्रदेश का जो है वो 2.41 लाख करोड़ है। और पिछले 1.5 वर्षों की अगर बात कर ली जाए, कमलनाथ इस पत्र में ये भी लिखते हैं तो बताते हैं कि 32 बार राज्य सरकार द्वारा कर्जा लिया गया है, कर्ज की राशि 49,800 करोड़ से ज्यादा है। और तो और ब्याज पर वो सवाल उठा लेते हैं कि राज्य सरकार की हालत ये है कि गत वर्ष की अवधि में अब तक जो कर्जा लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसका ब्याज ही चुकाया गया है 16,500 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। इतना ही वो कर्ज जिस दर पर लिया गया है उस पर भी कमलनाथ सवाल उठाते हैं और कहते हैं पत्र में कि कर्ज जो है 6.5% से लेकर 7% के रेट पर सालाना प्रतिशत पर लिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अब जो राज्य में वित्तीय हालत है उसके चलते कमलनाथ कहते हैं कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर औसतन 30,000 रुपए का कर्ज है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार की लगातार कर्जे लेने पर अब कांग्रेस हो चुकी है हमलावर। तमाम मुद्दों को कमलनाथ उठाते हैं इस चिट्ठी में। वो ये भी उठाते हैं इस मुद्दे को कि जो महंगाई है उसकी मार आम आदमी पर पड़ रही है, रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इनकी कीमत लगातार आसमान छू रही है और इन पर जो बढ़ी हुई राशि है उस हिसाब से सरकार टैक्स भी बढ़ा हुआ ले रही है, उसमें सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं गई। साथ ही साथ कमलनाथ ये भी उठा लेते हैं सवाल कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और शराब पर लगने वाले जो टैक्स है उससे राज्य सरकार की तो अत्यधिक कमाई हुई है, इसके बावजूद भी राज्य सरकार की ऐसी स्थिति क्यों है कि राज्य सरकार कर्जा ले रही है। इसी पत्र में वो ये भी कहते हैं कि पिछले 15 सालों में राज्य सरकार द्वारा लगातार कर्जा लिया गया है मध्य प्रदेश में, जिससे वित्तीय हालत ठीक नहीं है। और बड़ा सवाल उठाते हुए कह देते हैं कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए मौजूदा वित्तीय हालत को देखकर राज्य सरकार को। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि वित्तीय हालत इतनी खराब है कि मध्य प्रदेश में सड़कें जर्जर है, लोगों का आवागमन प्रभावित है, लोग सड़कें को गड्ढे गिन गिन कर बता देते हैं, स्वरोजगार की दिशा में क्या हो रहा है। तो तमाम तौर पर मध्य प्रदेश की जो माली हालत है और जिस तरीके से सरकार ने कर्जा लिया उसको लेकर कमलनाथ जो है अब वो हमलावर हो गए हैं। तमाम मुद्दों को उन्होंने गिना दिया और ये भी बता दिया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर कितने रुपए का औसतन कर्ज बैठता है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा लगातार कर्ज लेने को कांग्रेस पहले ही मुद्दा बनाती रही और यही वजह कमलनाथ ने इसे बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। आप देखते रहिए एमपी तक।